गजपति गोपीनाथ नारायण देवों स्थान नहीं झिया कल्याणी देवी। पारंपरिक रीति रे राज्याभिषेक सह कल्याणी देवी को दिया जाय गजपति उपाधि। जेतेबेले पारलार गजपति राजांकर मृत्यु हैला 77 वर्ष बयस घरोई मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था रे मृत्यु पर वर्तमान समय झियो कल्याणी देवी को राज्य पुरोहितंक उपस्थिति रे इष्ट देवी को पूजार्चना करा परे राजा उपाधि प्रदान करा जायछि। वर्तमान समय कल्याणी देवी पारला गजपति राजांकर सिंहासन नैछंती। पूजार्चना परे राज्य पुरोहित पारिषद वर्गों उपस्थिति रे कल्याणी देवी राज्य सिंहासन आरोहण करिबार चित्र भी सामना को आसीथिला। पारलार राजा गजपति नारायण देवों मृत्यु जेतेबेले 77 वर्षर हैला एक घरोई डाक्तरखाना रे एक खबर आसीबा परे गतकाली राज्यर तुंग व्यक्ति विशेष शोक प्रकाश करथिले। एमिति कि पारला राजा परिवार संपर्क पूरी गजपति राजांक सहित थिबा नै मुख्य तथ्य रही। एमिति कि पूरी गजपति महाराज दिव्य सिंह देव घरोई डाक्तरखाना रे पहुंची निजर शोक व्यक्त करने सहित पारला गजपति राजांक देहांत पर तांकु शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करथिले। पारला राजपरिवार जो परंपरा रही विशेष भाव में जदि देखा पूरा देश में राजपरिवार गोटे स्वतंत्रता रही। गजपति उपाधि बा गजपति महाराज को कथा आसिले साधारण रे पूरी गजपति कथा ही सामना को आसे, किंतु पारला राजपरिवार संपर्क मध्य पूरी गजपति महाराज को परिवार सहित रही। एक कथा केवल आमे कहूना बरम गजपति महाराज मध्य निजर शोक व्यक्त कला बेले भाव विहल हो जाते और सेभली किसी दृश्य सामना को आसीथिला। एवं पारला महाराज को मृत्यु परे तांको झियो कल्याणी देवी को वर्तमान समय राज उपाधि प्रदान करा जायछि एवं गजपति गोपीनाथ नारायण देवों स्थान नहीं झियो कल्याणी देवी। दुईटी चित्र आपण देखुचंती वर्तमान समय टीवी परदारे जेतेबेले पारला राजा गोपीनाथ नारायण देवों देहांत होता गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायथिला। सरकारी स्तर में श्रद्धांजलि प्रदान करा जायथिला। राज्यर तमाम तुंग व्यक्तिविशेष मुख्यमंत्री हुंतु मंत्रिपरिषद हुंतु समस्ते शोक प्रकाश करथिले। दलमत निर्विशेष समस्ते शेष श्रद्धांजलि ज्ञापन करथिले। एमिति कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाई राष्ट्रीय मर्यादा सहित जातीय पताकारे मर शरीर को आच्छादित करा जायथिला। एवं आउ गोटे दृश्य हेउछि जेतेबेले पारला राजपरिवार कथा आसुछि। जदियो गणतंत्रर व्यवस्था रही किंतु विभिन्न स्थान में राजपरिवार कहानी राजपरिवार भागीदारीर चित्र वर्तमान मध्य लोकंक भितरे रहुछि। एवं पारला रे राजा गोपीनाथ गजपति मृत्यु पर तांको झियो कल्याणी देवी आउ गोटे पटरे परंपरा क्रम राज सिंहासन ग्रहण करने समय चित्र भी सामना को आसी। एने अधिक सूचना देवाई सीधा सड़ख पारला राजपरिवार प्रसाद रु आम सह जोड़ी होती आम प्रतिनिधि आलोक साहू। आलोक, वर्तमान समय रे कल्याणी देवी राज सिंहासन ग्रहण करिबा परे आउ कोन को सब परंपरा आगो को आसी पारे? निश्चित अभिनव देखु जहाँकि राजकीय परंपरा रही जो पालाखेमुंडी राजांकर जो परंपरा रही गोपीनाथ गजपति मृत होवा पर गत काली ही कल्याणी देवी राज सिंहासन भार तुलाइथिले। राजा अभिषेक गोटे परंपरा रही जो समय गोपीनाथ गजपति मृत पर यही जो राजप्रसाद पछपटू अणा जाइथिला सेठारे मर शरीर को रखा जाइथिला। अन्य पटे एपटे यही जो राजप्रसाद रही एठारे कल्याणी देवी जी रही कल्याणी देवी को राजा अभिषेक ये रही राजकीय जो परंपरा रही से परंपरा अनुसार जो राजा अभिषेक होते तापर कल्याणी देवी जी रही राजा जी दायित्व नवा परे सी आदेश देते यही महल रे गहली कहीं तापर जाए सी सूचना दि जाता बापा देहांत होती तापर शव सत्कार करने आदेश देते गत काली संध्या शव सत्कार सलामी तोप सलामी दि जाता आम सहित अच्छा जो जी कि जो ये जो राजा वंशर बहु वर्ष धरी रही कृष्णचंद्र गजपति कथा कहवा गोपीनाथ गजपति कथा कहवा सहित रही आँ कह सार कौन रही जो महत्व कौन रही गजपति महाराज कौन कह पाला महाराजा कृष्ण श्री 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 कृष्णचंद्र गजपति छामुरे प्राय 22 वर्ष चाकरी कली तापरे गोटे वर्ष डिसकंटिन्यू कले तापरे दादी पुत्रा समस्त आसी जिते 74 साल कृष्णचंद्र गजपति पाईगले 25 एप्रिल से दादी दादी बर्तमान जो गोपीनाथ गजपति दादी एवं गोपीनाथ गजपति तांग भाई समस्ते मेड्रास रु आसी पहाड़ पहुँचले पहुँचे मते कौन कहवा आप बहु वर्ष धरी एठा रही केते दुख लगुच गहन सी ना मोर जीवन सारा तांक जीवन मोर कार्य कली पाखे कली प्राय 45 वर्ष कली मोर कुटुंब सह बंचिली तांको कोटी कोटी नमस्कार आ कौन कहबी बड़ दुखर कथा आखिर मत 24 वर्ष कम कली दुख कौन परंपरा रही गत काली तो सब सत्कार बर्तमान काली जो विधि विधान सब चलला मो छड़ा अगर क्या पचार ना मोठ सब स्टेटमेंट नेले सेमती से भारतभूषण महांती एवं बसंत दास बाबू रेकर्ड करमती पूरा गोपीनाथ कृष्णचंद्र गजपति कार्यकलाप व्यस्त थी से भाया सब ये काली चलला निश्चित भाव जो परंपरा राजकीय परंपरा रही से परंपरा अनुसार कार्य हम कौन कहवा सर केते दुख प्रकाश करुँच वर्तमान आमे तो संपूर्ण भाव दुखित पारला आदिवासी एवं गजपति जिलार समस्त जनसाधारण दक्षिण ओडिशार समस्त साधारण बर्तमान दुख सागर बुड़िक रही जे आमे आमर प्रिय राजा को हरईचु गत काली दीर्घ दिन स्वास्थ्य अवस्था ये होगापर आम राजा को हरईचु किंतु जा हो गोटे जो परंपरा आमर स्वतंत्र गजपति महाराजांकर थिला जहाँपाई आम गर्व अनुभव करूँ सारा विश्व दरबार रे हो कि भारत दरबार रे हो कि ओडिशा दरबार रे आम जो गर्व अनुभव करूँ पारलाखिमुंडी आदिवासी बोली किंबा गजपति महाराजांकर दायित्व भावे जो आम गर्व अनुभव करूँ आज से महाराजा को आज हर आम समस्ते मर्माहत और दुखित पारला आदिवासी नूतन भाव कल्याणी देवी जे रजा दायित्व नहीं आप साक्षात करने को आँ निश्चय आम आशा रखीचु जे परवर्ती दायित्व हिसाब से जेहेतु कल्याणी गजपति राजकुमारी कल्याणी गजपति गतकाली कार्यभार ग्रहण कर राजांकर सिंहासन आरोहण कर आशा करूँ महाराज गोपीनाथ गजपति परी तांकर भी कार्यकाल रे जमी मिष्टभाषी सरल एवं जनप्रिय राजा थिले सेहीपरी मध्य कल्याणी गजपति तांकर आगामी दिन में लोकों सहित संपर्क एवं जनसाधारण सेवा करेंगे और लोकों सहित रहिबे बोली आगामी दिन में आम आशा करूँ एवं पारला जनसाधारण एवं गजपतिवासी बहुत आशा रखीचु कल्याणी गजपति ठारू जे तांकर सेवा केमिति आम आगामी दिन में पाइबु निश्चित अभिनय देखु जहाँकि जो कल्याणी देवी जी रही आज कह कल्याणी देवी गजपति कह अन्यपटे गत काली राजसिंहासन भार तुलाइवा पर एठारे बहु लोकों भिड़ रही कारण गजपति जिले में यही जो पाला महाराज को गजपति कहवा कौन गजपति गंजाम फुलवाणी अनेक जिले में सारा राज्यपाई अनेक किसी काम कर जहाँफल कि एठारे यही जो जिलार समस्त लोक एठारे जो नूतन भाव दायित्व नहीं कल्याणी देवी गजपति को साक्षात करने आसती गत काली यही जो कार्य सरवा पर आज जो राजकीय परंपरा रही से परंपरा गोपीनाथ नारायण देवंको देहांत परे राजकुमारी कल्याणी देवी गजपति आसन वर्तमान समय अलंकृत कर सारी लोक आसुंच भेटापी किंतु आलोक जो चित्र बर्तमान समय सामना को आसूची ये हूँ से दुखद मुहूर्त और ये हूँ से भल मुहूर्त जिते दुईटी चित्र आसला गोपीनाथ गजपति मृत्यु परे तांको झियो कल्याणी देवी सिंहासन ग्रहण करिसेंती किंतु निर्दिष्ट भाव में गणतंत्र व्यवस्था भितर वर्तमान समय पारला राजपरिवार भूमिका कौन आसी थाए कौन सब कार्य सहित तो राजपरिवार जोड़ी हुई रही आलोक शुणी पारुचंती देखु एठारे तो बहु लोकों भिड़ देखा मिलूँ मु कैमरा पर्सन को कहबी जोठारे कि जो राज जो सिंहद्वार रही एठारे ही प्रवेश पथ रही एठारे आसवा पर प्रथम गोपीनाथ गजपति जो रही गत काली देहांत होता सेठारे पुष्प देपर जो नूतन भाव दायित्व नहीं कल्याणी देवी गजपति को साक्षात करने कल्याणी देवी गजपति को साक्षात कर ब्रह्मपुर सांसद जी रही सांसद आसी एठारे पहुँचुंती। एठार जो गजपत जिलार अनेक लोक आसी पहुँचुंती, अनेक जनप्रतिनिधि आसी पहुँचुंती, नेता माने आसी मध्य पहुँचुंती। गोटे कथा रही देखु जितेबाला गत काली रजाभिषेक होता गोटे पटे कृष्णचंद्र गोपीनाथ गजपति मर शरीर घर यो राजप्रसाद पछपटे रही बेले एपटे जो परंपरा रही से परंपरा अनुसार गोपीनाथ गजपति जी उत्तराधिकारी जी रही झी कल्याणी देवी रही से कल्याणी देवी रजाभिषेक चली रजाभिषेक जो रही से रजाभिषेक पर सी आदेश देते यो महल में कहीं भिड़ रही क्यों कारण जो भिड़ रही आखि आगे पर एठाकार जो अंचलवासी रही से जन आपणकर बापा देहांत होती से देहांत अर्थात गत काली पर्यंत कल्याणी देवी जानी नथिले कि तांको पितांकर देहांत होईछि ये मध्ये ना ये गोटे परंपरार प्रतिफलन थिला निश्चित भाव में। देखु गत काली तो कल्याणी देवी जी रही कल्याणी देवी तो भुवनेश्वर हॉस्पिटल रही सहित किंतु जो गजपति महाराज को जो परंपरा रही से परंपरा अनुसार ही कार्य करा जाए। जो पूर्वर मध्य जो गजपति पाला गजपति जो परंपरा रही से परंपरा को आखि आगे रखी से परंपरा अनुसार ही कार्य करा जाए। अभिनव बहुत बहुत धन्यवाद आलोक आपणकर तमाम सूचना पाई। आम प्रतिनिधि आलोक साहू जहाँ सूचना देउछंती वर्तमान समय रे मु से दुईटी चित्र आपनक सामने रखिबी। प्रथम चित्र आपण वर्तमान देखुछंती कल्याणी देवी जेतेबेले पारला राजसिंहासन को ग्रहण करिसेंती एवं आउ गोटे दृश्य पारला महाराज गोपीनाथ गजपति मृत्यु पर किभली शोकाकुल परिवेश रहितिला। पारला राजपरिवार गोटे स्वतंत्र रही गजपति गोपीनाथ नारायण देव देहांत 76 वर्ष बयस चिकित्साधीन अवस्था भुवनेश्वर एक घरोई मेडिकल होता सहित एकमात्र झील कल्याणी देवी उपस्थित रही। किंतु जेतेबेले परंपरार कथा आसे सेतेबेले गोपीनाथ नारायण गजपति को गोपीनाथ नारायण देवं को निर्दिष्ट भाव में गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करा जायतिला। राष्ट्रीय मर्यादा सहित तंकर शेषकृत्य संपन्न है। सेपटे परंपरा आधार रे कल्याणी देवी गजपति आसन ग्रहण करिसेंती। पूरी गजपति महाराज को सहित पारला राजवंशर संपर्क रही। विशेष भाव में गजपति गंजाम कंधमाल ए सबु जिले में पारला राजपरिवार प्रति समस्त गोटे भाव और आवेग प्रतिफलित हुए। एभली स्थिति में राजकुमारी कल्याणी देवी गजपति आसन नहीं कल्याणी देवी गजपति भाव में से वर्तमान समय राजा सिंहासन उपरे निजर दायित्व ग्रहण करने पर इष्टदेवी को पूजार्चना करी। साधारण लोकंर भाव और आवेग राजपरिवार प्रति जोड़ी होती।